is nutrition during the adult years. This is your third unit. So under this third unit, we have to discuss nutrition during the adult years, dietary food habits, and nutritional concerns of this age group, nutritional concerns and healthy food choices of pregnancy and lactation. So dear students, first of all, we see what is adult. An adult is a mature, fully developed person. An adult has reached the age when they are legally responsible for their action. It means adult aap us insaan ko kehte ho jab wo fully mature ho gaya hota hai. Theek hai? And he is able to take his responsibility. जब एक इंडिविजुअल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करता है और उसको प्रॉपर नॉलेज होती है, वो फुली डेवलप मैच्योर हो गया हो तो उसको पता है कि मुझे कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे फुलफिल करनी है, उसको हम कहते हैं अडल्ट. द टर्म एल्डरली इज अप्लाइड टू दोज इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू एज 60 इयर्स एंड अबव. सो हम अडल्ट उस इंडिविजुअल को कहते हैं, ये हम उस एज ग्रुप को कहते हैं जो 60 से अबव तक है. ठीक है. इट इज अ ग्रेजुअल कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ नेचुरल चेंज दैट बिगिंस इन अर्ली अडल्टहुड. अडल्टहुड है, इसमें भी चेंजेस आ जाती है जो अर्ली अडल्टहुड में होती है. ठीक है. बिकॉज जो अडल्ट पीरियड है इसको फिर डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है. जैसे अर्ली ईयर्स वो 20s to 30s आता है, 40s to 50s को हम कहते हैं मिडल ईयर्स ऑफ अडल्ट, ओल्डर ईयर्स होते हैं 60s to 70s एंड 80s to 90s हो गई ओल्डेस्ट ईयर. सो जो चीज़ें जो चेंजेस उसकी बॉडी में 20s to 30s आ जाती है वो कंटिन्यूस रह जाती है टिल द 80s and 90s. इन एल्डरली मेनली बॉडीली फंक्शंस बिगिन टू चेंज, स्पेशली बॉडीली फंक्शन, जैसे उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर, स्मेल एंड मसल वेस्ट. WHO डिफाइंस ओल्ड एज एज ग्रुप ऑफ 60 और अबव. सो अडल्ट है या ओल्ड एज होती है वो एज ग्रुप जो 60 से अबव तक होती है. ठीक है. सो दिस इज द अडल्ट. Now, what are the physiological changes that occur in this age group? Okay, as the cell age, they function less. जितना हम old हो जाते हैं, जो हमारी body की cells होती हैं, वो कम function करना start करती हैं. Sometimes the old cells die. It is called apoptosis. The reason for cell death are in some cases. जो सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है और उसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस. और रीजन क्या है इसका, दे डिवाइड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, डैमेज टू सेल कॉजेज इट इज डेथ. डैमेज इज कॉज्ड या तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से उनकी डेथ होती है, जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ड्रग्स या कोई ऐसा ड्रग होता है जिसकी वजह से रिएक्शन होती है और साउंड. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस, कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं व्हेन वी रीच टू द एज ऑफ 60 और 20s to 20s more than 20. बोन्स एंड जॉइंट्स में क्या चेंजेस आ जाती है. बोन्स जो होते हैं वो बहुत लेस डेंस हो जाते हैं, दे बिकम वीकर एंड मोर लाइकली टू ब्रेक. जैसे आपने देखा होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस इस एज में ज़्यादा होता है, उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो गई होती है, वीक होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं ब्रेक होने की और बैंड हो गई होती है. Especially जो women हैं after menopause 45 to 55 years में menopause हो जाता है, इट मीन स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो आफ्टर मेनोपॉज विमेन में क्या होती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है. ठीक है. ये किससे हो जाता है, बिकॉज उनकी बॉडी में जो हार्मोन है, सेक्चुअल हार्मोन है इस्ट्रोजन, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है. दैट इज वाई दे विल सफर फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से फिर इनकी बोन्स वीक बैंड हो गई होती है. ठीक है. Amount of calcium in body reduced because the absorption from food decreases. इनकी डाइट में कैल्शियम कम हो गया होता है, बिकॉज क्यों, इनकी बोन्स वीक है, जॉइंट इज वीक, बिकॉज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वीक हो गया होता है. वो किससे हो जाता है, बिकॉज जो चेंजेस आ जाती है, ये इनका टेस्ट चेंज हो जाता है और इनके डाइट वेरिएट हो जाता है, जिसके वजह से इनका डाइट फिर डिफिशियंट होता है कैल्शियम में.
जो विटामिन डी है ऑल्सो डिक्रीजेस लाइक स्लाइटली. द मोस्ट इफेक्टेड जो बोन्स या ज्वाइंट्स है इस एज ग्रुप में वो स्पेशली होती है फेमर, ठीक है, और आर्म बोन एट रिस्ट, रिस्ट पे जो बोन्स होती है रेडस एंड अल्ना या बोन्स ऑफ द स्पाइन. सो ये बोन्स या चाहे इनका स्पाइन या रिस्ट की जो बोन्स है या फेमर है जो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, तो इनमें स्पेशली ये इफेक्ट हो जाती है, ठीक है. जो ओल्ड पर्सन है ये शॉर्ट हो जाते हैं इन लेंथ. क्यों? क्योंकि इनका जो वर्टेब्रा है वो लेस डेंस हो जाता है, जिसकी ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड इन द कुशन ऑफ टिश्यू एंड बिकम थिनर. बिकॉज उनका जो वर्टेब्रा होता है वो डेंस हो जाता है, उसमें जो टिश्यू होता है नॉर्मली प्रेजेंट वो भी कम हो जाता है, दिन ब दिन वो एक्सक्रीट हो जाता है और जो वर्टेब्रा है वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है ओल्ड पर्सन की हाइट कम हो गई, ठीक है. जो कार्टिलेज है इट टेंड्स टू थिन बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टियर ऑफ इयर्स ऑफ मूवमेंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है. लिगमेंट्स एंड जॉइंट्स टेंड टू बिकम लेस इलास्टिक, मेकिंग जॉइंट्स फील टाइट और स्टिफ, दिस मेक्स पीपल लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है. आपने देखा होगा इस एज ग्रुप का इंडिविजुअल वो ज्यादा फिर मूव नहीं कर पाता है, कहता है कि नहीं मेरी बोन स्टिफ हो गई है, मैं जितने अगर मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे फटीगनेस फील हो जाती है, मेरी बोन्स रिजिड हो गई है, रिजिड हो गई है, मुझे बेंड हो रही है बोन्स, तो मैं अच्छे से नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो गई होती, वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है. बिकॉज जो लिगमेंट्स और जॉइंट्स होते हैं वो टेंड टू बिक वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं. Ligaments tend to tear more easily and they heal slowly because the cells maintain ligaments and tendons become less active. That is why जो older person है इनकी bones और joint जो होती है वो weak हो गई होती है, bones bend हो जाती है, fragile होने के chances होते हैं, break होने के chances होते हैं, इनको bones effect होती है, pain होती है, weak हो जाते हैं, मसल वेस्टेज हो जाती है इस एज ग्रुप में, बिकॉज जो लिगमेंट है टेंडन है वो भी कम हो जाता है, इनकी हाइट कम हो जाती है, वो किससे हो जाता है, जो वर्टेब्रा है वो लेस डेंस हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, जो हमारे नॉर्मली बॉडी में कुशन ऑफ द टिश्यूज या उसमें प्रेजेंट होता है वो लॉस हमारी बॉडी से हो जाता है, जिसकी वजह से जो वर्टेब्रा होता है वो थिन हो जाता है या बैंड हो जाता है, तो हमें लगता है कि इस एडल्ट पर्सन की हाइट कम हो गई है, ठीक है. नेक्स्ट इज द मसल एंड बॉडी फैट में क्या चेंजेस आ जाती है. आपने देखा होगा जो ओल्ड पर्सन है उसमें मसल वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, और जो बॉडी फैट है ये भी दिन ब दिन रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली 10-15% हो जाता है ज्यूरिंग द अडल्ट. बाय द एज ऑफ 75 द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट टिपिकली डबल्स व्हेन कंपेयर्ड टू अडल्टहुड विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ, बिकॉज यहाँ पे फिर एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है. ज्यादातर जो लोग इंडिविजुअल है वो प्रेफर करता है स्टे एट होम, ठीक है, वो अपनी खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है किसी भी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में दिन ब दिन फैट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सफर करते हैं डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम से. ए हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, सो इट इज बेटर टू मेंटेन द गुड फूड हैबिट एंड एक्सरसाइज सो दैट वी कैन डायरेक्टली इंक्रीज मिनिमाइज द बॉडी फैट एंड मेंटेन द बॉडी वेट, ठीक है. नाउ आईज में क्या चेंजेस आ जाती है. लेंस बिकम स्टिफ मेकिंग फोकसिंग ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट इज हार्डर, ठीक है, इनको प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोजली देखना. जो लेंस है वो डेंसर हो जाता है, जिसकी वजह से इनको डिम लाइट में देखने में मुश्किल हो जाती है. पीपल रिएक्ट मोर स्लोली टू चेंजेस इन लाइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिम या ब्राइट लाइट रखते हैं सो इनका जो पीपल है वो जल्दी इक्विलिब्रियम अपना जो लाइट उसको आइडेंटिफाई करनी होती है वो स्लोली वो मेंटेन कर पाता है. लेंस येलो हो जाती है, जिसकी वजह से कलर जो है चेंजिंग द वे कलर्स आर परसीव्ड, तो वो कहते हैं मुझे ऐसा दिखता है, मुझे वो कलर दिखता है, जबकि वैसा नेचुरली नहीं होता, ये सिर्फ हो जाता है जो उनका लेंस होता है उसका कलर चेंज हो गया होता है, ठीक है. जो नर्व सेल्स होती है उनका नंबर दिन ब दिन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डेप्थ परसेप्शन पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है. जैसे नॉर्मली आपकी आईज वाटरी होती है, ठीक है, और जो ओल्ड पर्सन है उनमें चेंजेस, उनकी आई जो है जो उसमें मॉइस्चर होता है या फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी आईज ड्राई हो जाती है, ठीक है. विजन में भी चेंजेस आ जाती है विद चेंज साइन ऑफ एजिंग, जैसे हमें इंडिविजुअल या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वो बोलते हैं कि मैं शुरू में बोझ नहीं हूँ, ठीक है,
ठीक है। सो ये साइन ऑफ ये विजन प्रॉब्लम इज अ साइन ऑफ एजिंग, ठीक है। ये जो चेंजेस इन लेंसेज आ जाती है, कैसे हो जाती है, इसमें इनको क्या क्या, जब लेंस में चेंजेस आ जाती है, जैसे फ्लूर कम हो गया होता है आंख में, लेंस येलो हो जाता है, ठीक है। सो ना वो फिर नजदीक का देख पाते हैं, ना दूर का, ना वो ब्राइटर चीज को ही देख पाते हैं, ना वो कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये सब चीजें हो जाती है ड्यू टू द चेंजेस इन द लेंस, ठीक है। द व्हाइट ऑफ द आई विच इज स्कैलरा मे टर्न स्लाइटली येलो और ब्राउन, ठीक है। ग्रे व्हाइट रिंग मे अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द आई, द रिंग इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल सॉल्ट, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। जो आई लिड है मे हैंग अवे फ्रॉम द आई बॉल्स बिकॉज द मसल्स अराउंड द आई वीकन एंड द टेंडन स्ट्रेच। आपने देखा होगा जो यहाँ पे जो आई लिड्स होती है वो क्या हो, वो हैंग हो गई हो जाती है, ठीक है। वो किससे हो जाता है, बिकॉज उनकी मसल्स होती है आईज की वो वीक हो गई होती है। जो आईज है मे अपियर टू सिंक इन टू द हेड बिकॉज द अमाउंट ऑफ फैट अराउंड द आई डिक्रीज, ठीक है। वो सिंक हो जाती है, मतलब जो अर्थ साम्स हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर्स में क्या चेंजेस आ जाती है, मोस्ट चेंजेस इन हेयरिंग आर प्रोबेबली ड्यू एज मच टू नॉइज एक्सपोजर एज टू एजिंग, ठीक है। लाउड नॉइज ओवर टाइम डैमेजेस द ईयर्स एबिलिटी टू हेयर एज पीपल एज, जितना इंसान आगे आगे जाता है एज में उसमें हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, हेयरिंग हाई पिच साउंड जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं उनको रिकग्नाइज करना, ठीक है। जिसकी वजह से ये फिर अच्छे से नहीं सुन पाते, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है वर्ड्स को समझना, ठीक है। ग्रेजुअली हियरिंग लोअर पिचेस आल्सो बिकम्स मोर डिफिकल्ट, थिक हियर्स मे ग्रो आउट ऑफ द ईयर, जो हमारे कानों में हेयर होता है तो विद एज वो भी दिन ब दिन ज्यादा ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, ये वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाते, ये वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज दैट अकर इन दिस एज ग्रुप इज इन माउथ एंड nose. As you know, with age, the taste buds and the basic sense organs functions will change. It means especially the changes will occur in the taste and the smell. The taste buds on the tongue decreases in the sensitivity. This change effect is mostly tasting sweet and salt more than bitter and sour. It means कि जब taste buds में ही changes हो जाती है, so जो salt, sweet, sour, bitter है उसमें भी changes आ जाती है, जिसकी वजह से जो old person होते हैं इनकी जो food pattern होता है वो change हो जाता है, because their taste buds will change, smell, taste. So जो अगर हम इनको कोई भी nutritious diet देते हैं but if they are not tasting that diet, they reject that diet. ठीक है, फिर ये sometimes they accept that type of food which is not nutrient dense, and finally there leads to deficiency. The ability to smell diminishes because the lining of nose becomes thinner and drier, and the nerve ending in the nose deteriorate. That is why smell भी deteriorate हो जाती है with the age, because जो nerves होती है nose की वो thin हो जाती है और dry हो जाती है nose, और जो दिन ब दिन nerves जो होती है वो दिन ब दिन deteriorate हो जाती है, ठीक है। एंड विद एज द गम्स विल रिसीड एंड द टूथ लॉस कैन अकर, जिसकी वजह से फिर ये सॉलिड डाइट नहीं ले पाते हैं, सो दे नीड सॉफ्ट डाइट जो विच कैन च्यू इजिली। विद एजिंग द नोज टेंड्स टू लेंथन एंड एनलार्ज एंड द टिप टेंड्स टू ड्रॉप, ठीक है। एंड सिकिन, व्हाट विल हैपन टू द सिकिन, skin tends to be thinner, less elastic, drier and finally wrinkled. है ना, with age ये आप signs आप observe करते हैं एक old person में. The pore produces less collagen and elastin, so the skin tears more easily. That is why their skin gets tear easily, because जो elastin और collagen है वो दिन ब दिन with age reduce हो जाता है, और जो fat layer होता है under the skin
वो भी थिन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो स्किन है वो रिंकल हो जाता है, ठीक है। एंड इनको फिर बहुत ज्यादा ठंड लगती है जब इंडिविजुअल ओल्ड एज में पहुंच जाता है, बिकॉज जो फैट होता है हमारी बॉडी में, एक तो वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, इट कवर्स अवर बॉडी एंड इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर। सो व्हेन द बॉडी फैट इज रिड्यूस्ड विद एज, द स्किन बिकम रिंकल्ड एंड द बॉडी इज नॉट एबल टू टॉलरेट कोल्ड। दैट इज व्हाई ओल्ड पर्सन फील मोर कोल्ड एज कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप। द नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स डिक्रीज एंड ब्लड फ्लो टू डीप लेयर ऑफ स्किन डिक्रीजेस, ठीक है। द नंबर ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स मेलानोसाइट्स वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है अगेंस्ट यूवी रे से, जिसकी वजह से इनके फिर खतरा हो सकता है और ब्राउन स्पॉट्स इनके स्किन पे अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। द स्किन इज एबल लेस एबल टू विटामिन डी टू फॉर्म विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, दस द रिस्क ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी इंक्रीजेस। एज यू नो दैट द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट इन अवर बॉडी। व्हेन वी आर अंडर द डायरेक्ट सनलाइट, जो स्किन है जो विटामिन डी है वो हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब सनलाइट की रेज हमारी स्किन पे पड़ती है जो इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन डी होता है, D3 एंड D4 कोलिकैल्सिफ्रॉल एंड 7-dehydrocholecalciferol, सो ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर ये किस में करता है एक्टिवेट, D3 एंड D4 में, एंड हमारी बॉडी को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। बट इन केस ऑफ अडल्ट देयर स्किन इज नॉट एबल टू एक्टिवेट विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उनका स्किन जो है वो नहीं कर पाता है विटामिन डी को एक्टिवेट, जिसकी वजह से इनमें विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है एल्डर पर्सन में, ठीक है, और वो सफर करते हैं बोन जॉइंट एंड कैल्शियम अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वी कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।